से जुड़ी हुई गुरुग्राम से ये खबर आ रही है। इलाज में डॉक्टर्स का सहयोगी बनेगा रोबोट। सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल में रोबोट लगाया गया है। आइसोलेशन वार्डों में ये रोबोट पहुंचेगा। बड़ी अच्छी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई, जहां अब डॉक्टर की सहायता रोबोट करेगा, मरीजों तक खाना पहुंचाया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरह से केसेस आ रहे हैं डॉक्टर्स पर थूकने के, खाना फेंकने के, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, डॉक्टर्स की सेफ्टी को देखते हुए इस तरीके का कदम उठाया गया है, जो कि बेहद ज़रूरी था। मरीजों तक ये रोबोट खाना पहुंचाएगा, दवा पहुंचाएगा और इस तरह से डॉक्टर्स की साथ उनका सहयोग कर पाएगा, हेल्प कर पाएगा। सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल में रोबोट लगाया गया है। आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचेगा मरीज, आइसोलेशन वार्ड तक मरीजों तक खाना पहुँचाएगा रोबोट। इलाज में डॉक्टर्स का सहयोगी बनेगा रोबोट। सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल में ये रोबोट लगाया गया है डॉक्टर्स की सुविधा के लिए, जो आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचेगा और मरीजों तक उनका खाना पहुंचाएगा, दवाई पहुंचाएगा और इस तरह से इलाज में डॉक्टर्स का सहयोगी बन पाएगा ये रोबोट। तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम आपको, काफ़ी अच्छी पहल है ये, जहाँ आइसोलेशन वार्ड में रोबोट तैनात किए जाएंगे अब मरीजों तक दवा पहुंचाने, खाना पहुंचाने के लिए, और इस तरह से इलाज में डॉक्टर्स का सहयोगी बन पाएगा रोबोट। तो लगातार जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग सतर्क नहीं हैं और कई अस्पतालों से डॉक्टर्स पर खाना फेंकने और थूकने के जिस तरह से केसेस आए हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कदम बेहद ज़रूरी था और इसलिए ये रोबोट लगाया गया है, जो आइसोलेशन वार्ड में तैनात किए जाएंगे और मरीजों तक खाना दवा पहुंचाएंगे और इस तरह से ये रोबोट इलाज में डॉक्टर्स का सहयोगी बन पाएगा। और धीरे धीरे सभी अस्पतालों में इस तरह के रोबोट हो सकता है आगे भी लगाए जाएं, क्योंकि अच्छा कदम है। और अभी गुरुग्राम के सेक्टर 10 में नागरिक अस्पताल में ये रोबोट तैनात किया गया है, जिससे डॉक्टर्स को काफ़ी हेल्प मिल पाएगी, सहयोगी बन पाएगा ये रोबोट मरीजों तक दवाई और खाना पहुंचाने के लिए। बता दें जिस तरह से मरीजों का इलाज करने में लगातार नर्सेज और डॉक्टर्स खुद कोरोना से संक्रमित हो रहे थे और लगातार केस बढ़ रहे थे, ऐसे ही केसों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है, जहाँ ये रोबोट तैनात किया गया है आइसोलेशन वार्ड में। सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल में ये रोबोट तैनात किया गया है और ये रोबोट मरीजों तक खाना ले जाएगा, दवा ले जाएगा और इस तरह से इस रोबोट के जरिए डॉक्टर्स की भी हेल्प हो पाएगी।